नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं ये देश का नागरिक होने के खातिर आपके पास में अपनी दो बात रखना चाह रहा हूँ, इजाजत है? आप लिख के भेज दीजिए। आपको नहीं, मैं अपनी बात आपको बोलना चाह रहा हूँ साहब। मैंने लिख के भेजा, रिस्पॉन्स नहीं आता है। आपको जो बोलने का है जी, आप लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है? तो आप एक मिनट सुन लीजिए ना प्लीज। हाँ, देश क्या? के लिए मैं ये बोल रहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रचारक रह चुके, आसाम के सीएम और हमारे पद्मावी साहब, गडकरी साहब, पूरे ऑल 30% बीजेपी के मिनिस्टर आरएसएस के प्रचारक रह चुके। ये लोग खुद स्टेज पे बोलते हैं चीज, राइट सर? और आज अगर आरएसएस चाहे तो देश के अंदर से महंगाई कम कर सकती है। नहीं, वो हमारा काम नहीं है। नहीं, आप बीजेपी को बोलिए, बोलने हमारा काम नहीं है। भाई साहब, साहब भाई साहब, हम जो बता रहे हो सुना करो, हमारा काम नहीं हो आंदोलन करना वगैरह, ठीक है? नहीं, आंदोलन नहीं, सिर्फ हम लिख के नहीं भेजेंगे। पावर में तो आप ही लोग, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। आप सुनिए, हमारा स्टेज पे क्यों आपके नाम से ही वोट मांगते हैं? गडकरी साहब बोलते हैं मैं चड्डी वाला हूँ, मेरे को वोट दो। मैं आपको वोट भेजता हूँ। रख दीजिए फोन। सर, देश में कितनी महंगाई हो रही है, बर्बाद हो रहा है देश। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके नहीं चलने वाला है ना। बंद कीजिए, आपका आपको बहुत समझता, रखो, समझो आप थोड़ा सा। पूरा देश बर्बाद कर देंगे, देश बर्बाद कर देंगे पूरा आरएसएस और बीजेपी वाले। अगर ऐसी देश के अंदर चला तो बेस्ट नहीं है ना साहब। हेलो, मुद्दे की बात बोलती है कि आपकी बोलती बंद हो जा रही है? देश के अंदर महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखो। नमस्कार। हेलो, आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर में बात हो रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। मैं क्या बोल रहा था सर, मैं फारिश कादरी यहाँ नागपुर सेंटर से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं ये बोलना चाह रहा था कि आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है, तो अभी हमारे देश के अंदर में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। 115 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है, 210 रुपए लीटर खाने का तेल हो गया है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है, डेवलपमेंट जीरो है, और बीजेपी सरकार कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रही है। तो आप लोग उसके अंदर में क्या एक्शन ले रहे हो? कुछ नहीं कर सकते हम। इसके पहले भी आपने जब कांग्रेस ने किया था तब चिल्लाए नहीं, अभी चिल्ला रहे क्या? नहीं, कांग्रेस बीजेपी आरएसएस में किसी की बात नहीं कर रहे। खाने की आदत लगी है, रखो। अरे सुनिए मेरी बात, सुनो आप ऐसा फोन काट के गलत बात है ना साहब। अपने जनता का सवाल पूछ रहा हूँ, हम इसमें नहीं गिरते। तो पॉलिटिकल मतलब, जब देश भरो आंदोलन 2012 में 1 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा था, तो पूरे बीजेपी ने हिंदुस्तान में जेल भरो आंदोलन कराया, घर भरो आंदोलन। हमारा काम नहीं है वो। आपका काम नहीं है आरएसएस? हमारा काम नहीं है। आरएसएस का काम क्या है? संगठन क्यों बना आरएसएस? वो संगठन वो कार्यकर्ता घड़ाने के लिए बना है, समस्याओं के इसके लिए नहीं। क्या समस्या के लिए बना? ये देश की समस्या ये नहीं है? नहीं, देश की समस्या क्या है? मुसलमान हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। देश की समस्या मुसलमान है क्या सिर्फ? नहीं, हमारे लिए नहीं है समस्या। क्या है? बराबर ठीक चल रहा है, जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। क्या चल रहा है साहब? महंगाई देखो ना आप।